दोस्तों मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ आज भी शाम के बजे हैं पौने सात और दिसंबर की आठ तारीख है एक्चुअली आई एम सिटिंग एट माई होम एंड मेरे को खबर मिली है कि uh, किसी का इंटरव्यू हुआ है रिसेंटली दिल्ली में और इनसे मेरी कंसल्टेशन भी हुई थी पहले और uh, देखा था क्या इनका हो सकता है क्या नहीं है तो uh, uh, जितना मेरे को पता था मैंने इनको बताया कि ऐसे करना है ऐसे करना है देखते हैं कि वाकई असलियत में क्या हुआ और इंटरव्यू uh, uh, में क्या चल रहा है जो पाउस इंटरव्यू और पी इंटरव्यू में क्या चल रहा है देखते हैं क्या हुआ अजय लाइन पे हैं और फॉर प्राइवेसी रीजन एंड आई रिस्पेक्ट दैट उन्होंने कहा है कि उनकी फोटो ना आए क्योंकि अभी उनको वीज़ा लगा नहीं है और बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए सो वी जस्ट गोइंग टू रिकॉर्ड दिस एंड देन मे बी रिलीज इट आ वन सी कम्स टू कैन सो अजय हे आई वेलकम योर इनिशियेटिव ऑफ टॉकिंग टू मी

फ्रॉम द सिक्योरिटी गार्ड हमें दो पासपोर्ट दे दिए हम दोनों अंदर चल गए yeah. उसके बाद वहां पर प्रॉपर चेकिंग हुई हमारी पानी की बॉटल थी तो उन्होंने कहा पानी पी के दिखाओ एवरी थिंग एक एक फाइल एक एक पेपर खोल के उन्होंने स्कैन किया अंदर yeah. गए वहां पर इट वॉज अ वेटिंग एरिया तो वहां पर रिसेप्शन पे हमने जाके पहले अपना फॉर्म दिया फॉर्म देने के बाद इमिडिएटली आफ्टर फाइव मिनट्स हमारी टर्न आ गई थी yeah. उससे पहले आपके so, कोई उससे पहले आपके कोई वेटिंग कर रहा था आपके पहले कोई वोज नो वन इन द रूम और बाहर भी आउटसाइड द बिल्डिंग ऑल्सो बिफोर यू हैंड ओवर योर इंटरव्यू लेटर इट वॉज हार्डली वन टू कपल कोई भी नहीं था आशीष वगैरह रूम फोर अजय रूम फोर सो वी वेंट देर तो मैं अपनी अंदर ले गया था टोल दैट माई वाइफ इज हेयर फ्रॉम कैनेडा टू सपोर्ट मी

एक तो वहीं पर ही यू नो कुकी पॉइंट्स मिल गए कि आई हैव ऑल द फाइल्स एंड एंड एवरीथिंग व्हेन आई सेड दैट माय वाइफ इज़ है उसको ये पता लग गया कि ये आदमी ना कुछ वो आ, कुछ करके आया तैयारी करके आया ऐसे, ऐसे वेला नहीं है हां जी हां हुँ, हुँ. वो पूरा देखा एंड देन माय वाइफ केम तो ये थोड़ी सी

And some doubts we had to call you, and uh, after talking to you for 5-10 minutes, I am satisfied, and I'm passing your eligibility criteria. Kya hai? and there are few documents that you have to send me that says leave denial letter x, y, z jo, jo hard copies si. mm. and after that uh, we'll, uh the other officer will follow the other process, Joe hot या yeah. सो so, बस हार्डली हम ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स बैठे थे ट्वेंटी फाइव मिनट्स में आपने काम खत्म कर दिया पूरा तो आ, आ, कोई सरप्राइज लगा आपको कुछ ऐसी चीज लगी कि अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा जो आपको लगा कि ये पूछना नहीं चाहिए ये क्यों पूछ रहे ऐसा नहीं कि अनएक्सपेक्टेड so, तो तब होता जब ट्रेनिंग ना लेता मैं सो देर वॉज नो क्वेश्चन दैट वी हैड नॉट कवर नॉट इवन वन क्वेश्चन क्योंकि तो आपने तो सर एक एक सेकंड का हिसाब लिया था ना तो वो तो फिर थोड़ा सा गैप ले लेके पूछ रहे थे ऑलरेडी जी, 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 जी। uh, so है पूछ रहे थे Absolutely, ये तो हो, ये तो तो होता है होना ही हाँ जी लाइक यू सेट कि जो हमारा फॉर्म था जिस फॉर्म फाइव फाइव थ्री टू जो फाइव फाइव थ्री टू और जी, वो दोनों उनके थे, तो वो देख के ही क्वेश्चन पूछ रहे बिल्कुल बिल्कुल हाँ उसमें से तैयारी करके पूछ रहे थे तो आपने वही बोला था ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें से आएंगे इसमें से क्वेश्चंस निकलेंगे जी 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 अच्छी बात है अच्छी बात है टिपिकली uh, एक्चुअली ये ये इस तरह की इंटरव्यू क्योंकि आपकी मैरिज uh, जो पी के लिए थी पी uh, के बेस पे आपकी अप्लीकेशन आप टिपिकली इसमें हम देखते हैं कि चालीस से चालीस से पैंतालीस से एक घंटा तभी तो हो सकता है कभी कभी इट ऑल डिपेंड्स ऑन की आपका आंसर uh, कैसे है उसका मूड कैसा है all, but, uh, आपका अगर 25 मिनट में हो गया सो दिस इज डेफिनेटली गुड पॉजिटिव साइन कि उनको जो चीज नजर आनी थी और जो चाहिए था उनको विजिबल है और उसके बाद दे वर क्लियर के और और मेरे ख्याल ये दो तीन जो बातें आपने करी हैं जो जो अपनी तरफ से जो कहा है कि आप हम क्लैरिफाई कर दें इससे भी पता लग गया कि भाई ये ये ना तैयारी करके आया और और ये और डॉक्यूमेंट्स आपने कितने लगे थे साथ अपने कितने डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में थे? सर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास बहुत थे आपने जैसे बताया था चार तो शादी की एल्बम्स थी दो लड़कों की साइड की दो लड़कियों की साइड की उसके बाद वी हैड वन डिस्क्रिपेंसी अपडेट फॉर्म वन वाज कोहेबिटेशन फॉर्म अनदर वन वाज रिलेशनशिप विद इन लॉज या फिर जो एक दूसरे के ऊपर फाइनेंस हमने खर्चा किया है वो फॉर्म था या एंड लॉट ऑफ इमेजेस थी मेरी कंपनी जहा में जो भी है उसका सारा लेटर वगैरह था तो देवर अराउंड सिक्स बिग फाइल्स एंड फोर एल्बम्स एंड दे डिड नॉट चेक एनीथिंग लेकिन अगर आप ये देखें अगर आप बाय चांस अगर आपके पास इतना सामान नहीं होता तो अगर चेकिंग कर करने के लिए अगर कुछ बोलते हैं तो आप दिखाते कहाँ से और वो बोलते ये दिखाओ तो कहते हमारे पास है नहीं तब क्या होता सर उन्होंने इसलिए चेक नहीं किया बिकॉज में लेकर गया था <laughs> ये know, होता हाँ, हाँ. उठने से पहले आई अगेन

ऑफिसर uh, you know, uh, ने जब ये इंटरव्यू लेने से पहले अपना नाम बताया कि नहीं बताया नहीं बताया नहीं सर, नहीं. उनका नाम एवरी हाँ. वन तो ये, ये आपको मैं आपको बता दूंगा लोगों को, लो को कोई मेरे अगेंस्ट कोई वो ना बोले हो, सक, हो सकता है की कई सरकारी कोई एक्शन आप क्यों बोल रहे हैं क्या अनितापुरी आपको कैसे पता लगा के नहीं है सर बाहर हमारे को दो तीन लोग मिले थे या। तो हर किसी साहब पंजाब से थे हर किसी के मुंह पर यही था कि वो चली गई है मैं कौन चली गई है कहते नीता पूरी हूं काम कर दी चल गई है अच्छा 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 सर लोगों को पता है मशहूर है बहुत ज्यादा उनकी मशहूर हो गया उठे जड़ा है ना स्टार है जड़े तो तो स्टार है बदनाम पता नहीं जी 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 चलो वो भी अच्छा होता है आपके बेगम का आपकी आपकी पत्नी का कैसा एटीट्यूड रहा कैसे कैसे उसने उसने, उसने कुछ बताया अपनी तरफ से कुछ कहानी बताई कि नहीं इसके अलावा जैसे छुट्टी के अलावा या और कोई अलावा जैसे कि आपकी जैसे वो जब शादी से पहले कैसी मीटिंग इसके बारे में कोई चर्चा हुई नथिंग सर जो नहीं वाइफ को जब अंदर बुलाया एंड में तो शी केम वो साथ में बैठ के दूसरी सीट पे एंड फिर उनका जो फोकस था वाइफ की तरफ ही था देन शी आस्क्ड वाइफ कि आप कब मिले क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई थी कि आप कब मिले डेट हमने सेम बता दी उसके बाद दयाश की आपकी शादी कब हुई थी वो डेट बता दी अभी थोड़ा यहाँ पर यहाँ पर दो मिनट में रोक दू आपको यहाँ रोक जैसे ये ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि आप कब मिले कई कई बार हुँ. ये होता है कि अगर हमने मीटिंग करी है पहले जैसे पांच साल पहले या दो साल पहले हुँ. या चार साल पहले या इवन आठ साल पहले जैसे टिपिकली आपके उसमें हो सकता है तो कई बार आपको याद होगा कि अगर आप आपसे पहले मैंने पूछा था तो शायद आप भी एकदम से झटका खा रहे थे, पता नहीं हम कब वी डोंट रिमेंबर द डेट्स इनफैक्ट मैं इनफैक्ट मैं आज ही किसी से बात कर रहा था जैसे आपका इंटरव्यू है उसका भी इंटरव्यू आया है तो आज ही मैं उससे पूछ रहा था कि भाई आप कब मिले तो वो उसी क्वेश्चन में चक्कर खा गया पता नहीं यार कब मिले हम मार्च में मिले थे या मई में मिले थे मैं क्या तो अभी तो घूमता रहा एक घंटे इसमें तो ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे जैसे बड़ा नॉट ओनली क्वेश्चन बट ये कंसिस्टेंसी है अगर बाई चांस वाइफ को कुछ और याद है और हस्बैंड को कुछ और याद है और कई बार शायद पेपर वर्क में जो किसी ने भरा वो शायद गलती से कुछ और लिख दिया तो यहीं पर आप गोता खा जाओगे जी तो सर इस चीज में हमको ये हेल्प हुई थी लाइक यू सेड कि मेरे दिमाग में नहीं था दैट रीड ऑल योर इमिग्रेशन पेपर्स ए टू जेड कंप्लीटली जस्ट गो थ्रू देम बिकॉज क्वेश्चन उसी में से ही आएंगे बिल्कुल और बेलकुं। उसी में से उनके सामने फॉर्म्स थे सारे और उसमें से ही पूछ रहे थे। तो से शादी की डेट बताए वो बताई पोस्ट योर मैरिज तो कब कब आए थे आप तो वो उसको बताया इसके बारे में बारीकी बारी से हम डेट पे हम, मैं फोकस कर चुका हूँ आपको याद है जी जी। मैं ये स्ट्रेस कर रहा हूं कि किसी को कि भी इंटरव्यू अगर आ रही है

मैंने जो देखा है सर अगर वीजा देना होता तो फिर वैसे ही दे देते इंटरव्यू बुलाते ही ना जी 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 तो प्रेपरेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें से ही आया एक्स्ट्रा आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आया जी जी आपने तो आपका तो सिलेबस ही आपने बहुत बड़ा कवर किया था सिलेबस तो तो आपका क्वेश्चन जब आप बाहर निकले जो और भी जो एप्लीकेंट्स आए थे या जिनके किसी और से इंटरव्यू हो चुका था किसी और ऑफिसर से तो उनका क्या रिएक्शन था बाहर तो मेरे अंदर जाने से पहले एक सरदार जी बाहर आए थे उनके पास भी दो एल्बम्स थी तो फिर हमने पूछा कि कैसे कर रहा सो ही फाइन ही दो ऑफिसर हैं एक लड़की एक लड़का मैं लड़के के पास गया था और वो बिल्कुल बड़े आराम से आपको बिठा रहे हैं एंड दे गिव यू टाइम और दे आस्क यू क्वेश्चंस सो दैट्स इट एंड वहां पर बता देते हैं द पीपीआर विल फॉलो और द मेडिकल विल फॉलो या जैसे भी है बट वो उस केस में है जो स्पाउस वीजा पर जा रहे हैं बट मेरा पी केस है तो मेरा तो मेडिकल पहले ही हो गया तो मेरे को उन्होंने बोला कि रेस्ट ऑफ द प्रोसेस विल फॉलो जी 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 तो आपके But आपको I... जो डॉक्यूमेंट्स जो मांगे हैं आप डॉक्यूमेंट्स जो आर का मांगा है जो कुछ और मांगा है तो आप उसको भी भी। आप फटाफट उसको करा के उनको सबमिट करें और जो आपकी वाइफ की जॉब लेटर वगैरह वो करें तो उसके बाद तो फिर अ, मेरे ख्याल है इट इज जस्ट वॉक थ्रू यू नो इट्स प्रेटी मच स्टेज बाय स्टेज तो आर सी एम पी का क्लियरेंस मांग रहे थे या yeah. तो दे सर की एलिजिबिलिटी इज पास्ट एडमिसिबिलिटी so, हम देख लेंगे बट वो क्लियरेंस तो उसमें तो कोई आएगा भी नहीं जी 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 एडमिसिबिलिटी so, uh, uh, वो भी हो जाएगी और बाकी medical भी हो जाएगा तो मेरे मन में काफी ये मेरे मन में था कि आपकी जो दुल्हन आई है कनाडा से आपके सपोर्ट करने के लिए वो आपको साथ ही लेके जाती

जैसे लड़ाई करने गए तलवार कुरुक्षेत्र में जी. बोला जी यहाँ पर जी वो महाभारत शुरू होने वाला है हम तो कुछ लाए नहीं हम तो ऐसी देखने आ गए क्या लड़ाई शुरू हो गई को अंदर बुलाते ही नहीं है जी अच्छा हाँ वो अंदर आ जाता है आपके साथ वेटिंग एरिया में बट इंटरव्यू में बैठता ही नहीं आपके साथ क्योंकि जब हम गए थे तब भी एक सरदार खड़ा हुआ था तो उसको अंदर बुलाया ही नहीं कहते हैं बाहर बैठ जाओ तो। लेकिन सारे यहाँ पे इंडियन भी हैं नहीं तो फिर वो तो फिर तो अगर अगर इंडियन नहीं, अगर अगला भी इंडियन ऑफिसर है तो फिर तो इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है फिर तो हाँ हा कोई अगर गोरा होता कोई होता तो डेफिनेटली वुड हैव रिक्वायर्ड सो

do not go without training that's right that's because right it is because they want to deny your visa you are getting an interview so the odds are they have doubts on your marriage or whatever uh, the thing they have doubt on so it's better to get training the professional can help you evaluate your case see your letter and yeah. you know create questions as per your uh, uh, scenario yeah. सबसे एक क्वेश्चन नहीं पूछते हैं अलग क्वेश्चन इट्स बेस्ड ऑन योर फाइल सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट अ प्रोफेशनल हेल्प जी इस इसको चलो ये तो आपका आ, आपके आपका जो आपकी पर्सनालिटी है आपका अंदर एक दिमाग है और आपके अंदर एक शख्सियत आपकी है जो आपने यू कुड हैंडल दोस क्वेश्चंस बट आई आई कैन इजीली आई कैन इजीली इमेजिन जिसकी शादी अमल I mean, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल जिसकी शादी जेनुअन नहीं है मतलब हुई है, उसको जब क्वेश्चन शादी कैसे हो या, क्या हुआ तो उसको एकदम पसीने आ जाएंगे वहां पर बिल्कुल बिल्कुल जब मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे

ठीक yeah. है जी अगर आप झूठ बोलेंगे हाँ वो फिर आपको दंड करते हैं जी जी क्या बात है तो बी जेन्युन बिकॉज सी उनको तो पता ही अगर आप झूठ बोलोगे तो भी उनको पता है और जो सच है दे नो एवरीथिंग दे आर गिविंग यू ए चांस टू Say whatever there is, so that if they want to cancel your visa, they will not ban you. Yeah. And if you lie, they will ban you for sure. So it's yeah. up to you how you want to play it. Between the bad and worse, you can pick the bad. Yeah, I pass. कई काफी मैसेज आ रहे हैं फॉर द नेक्स्ट टू थ्री वीक्स और और लोग ये सोचते हैं पता नहीं इंटरव्यू क्यों आ रहे हैं क्या चक्कर है इंटरव्यू जाए ना जाए वगैरह अब एक, एक बंदे ने तो मेरे को बताया कि उन्होंने कंसल्टेंट से किससे फॉर्म भरवाए थे आ, कि आप यू नो आ, उनका इंटरव्यू आया तो मैंने कहा वो कंसल्टेंट से भाई आप पूछे मैं क्या करना है। वो कहते हैं जी हमें तो पता नहीं ये लो अपनी फाइल पढ़ लो इसी में से कहीं ना कहीं आ जाएगा देख लो जैसे कर सके तो इसको लोग बड़े कैजुअली सोचते हैं कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है और, नहीं 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 सर हमने ग्रुप भी ज्वाइन किया हुआ है एक वहां पे तो वही लोग हैं जिनकी इंटरव्यू अभी आनी है या इंटरव्यू की इंटरव्यून आ गई है पर अभी हुई नहीं है जी तो जी, जो एटीट्यूड है वहाँ पे लोगों का इट इज लाइक कि अरे क्या हो गया शादी तो जेनवन ही है क्या पूछ लेंगे ऐसा कुछ नहीं होता दे आर नॉट रेडी टू टेक इट सीरियसली आपको मैं पहले ही बताया था देन आई लेफ्ट दैट ग्रुप ओनली बिकॉज एटीट्यूड देख के लोगों का आगे जो ऑफिसर है उसका भी एटीट्यूड चेंज हो जाता है जी 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 मैंने आपको मैंने आपको बोला था कि उसको छोड़ो ग्रुप को छोड़ो ग्रुप से जी, दिमाग खराब होता है और इधर-उधर exactly से क्योंकि ग्रुप हां अगर आप एटीट्यूड एक ऑफिसर को दिखा दोगे जो आपकी लाइफ का डिसीजन ले रहा है देन इन देयर सिटिंग कैजुअली तो यू हैव टू बी वेरी हंबल एंड ऑनेस्ट जी क्या जब आपको वीजा मिल जाएगा तब आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना बता देना कि वीजा मेरे को मिल गया भाई मेरी तो फ्लाइट चल गई कनाडा मैं तो जा रहा कनाडा ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर फॉर कमिंग इन एंड एंड शेयरिंग योर फीडबैक वो फ्रॉड होते हैं चाहे लॉयर हैं चाहे इमिग्रेशन लॉयर है

एंड जितना पेन ये लेते हैं आई हैव नॉट सीन कि किसी लॉयर या जो भी कंसलटेंट्स हमने किए थे बिफोर फाइल अप्लाई की या जो वो लेते हैं लाइक ही कॉल्ड मी बिफोर माय इंटरव्यू इन द मॉर्निंग दैट दिस इज योर इंटरव्यू ही अगेन क्वेश्चन मी दो चार पूछे इन्होंने एंड अभी भी हम बात कर रहे हैं मैं तो पेमेंट दे चुका हूं व्हाई ही इज इवन टॉकिंग टू मी राइट सो दीस आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट मेक बिग डिफरेंस नहीं मैं तो मैं तो चाहता हूँ एक्चुअली मैं तो चाहता हूँ कि हमारे कई वीडियोस हैं हमारे स्पाउस वीज़ा से मुतल मेरे पास जो यूट्यूब पे आई हैव आई हैव अबाउट थाउजेंड प्लस वीडियोस उसमें स्पाउस वीजा के कम से कम आई डोंट रिमेम्बर एटलीस्ट मेरे ख्याल है कि uh, ढाई तीन सौ स्पाउस वीजा से ही रिलेटेड जिन, है ये सोचा के ठीक है पब्लिकली बताए उनके अपना फीडबैक उन्होंने स्पाउस वीजा के बारे में डिस्कस किया है तो मेरे पास तो कई लोग ऐसे भी कॉल करते हैं कि उन्होंने वीडियोज देख ही उनके स्पाउस वीजा लग चुके हैं एंड इज आई है जरूरी मेरे को पैसे देके आप आओ तो ले

नहीं होगा। अब मेरा वाला केस तो आपने कहीं अभी डाला ही नहीं yeah. जो हाँ. इश्यू था राइट सो इट इज ऑलवेज बेटर की आप पर्सनलाइज एक बार सेशन जरूर लें बिकॉज okay. और एक चीज और लाइक like, जो मैंने नोटिस किया इट्स बेटर की फर्स्ट इंटरव्यू में ही आप प्रिपरेशन कर लें अगर सेकेंड इंटरव्यू आता है या से रिफ्यूजल के बाद आप जाते हो तो चीजें बदल 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 जाती हैं बिल्कुल बदल जाएंगी, बिल्कुल बदल जाएंगी या यू यू कैन कैन इमेजिन इमेजिन कि आप ये इंटरव्यू फेल कर गए दोबारा में पहली बात तो दोबारा आने के चांसेस कम होते हैं फिर दोबारा नहीं आता क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सरे पहले कर चुके होते हैं तो दोबारा दोबारा इंटरव्यू बहुत ही रेयर आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर्स के कितने लोगों के दोबारा इंटरव्यू आए दोबारा इंटरव्यू आने का मतलब तो बहुत होता है कि कुछ चीजें बहुत चेंज हो गई तब आता है अदरवाइज एक बार में जो जो राम नाम सत्य होना है तो वो पहले ही हो जाता है एक बार में जी, तो उसके बाद फिर मुश्किल है एक दूसरी बात एक और भी है जैसे आपका ये मैरिज केस था ना मैरिज मतलब के पी के लिए जा रहे हैं आप स्पाउस भी जाने के लिए इसमें क्या है कि अगर आपका बाय चांस रिफ्यूज होता है अभी तो उसके बाद तो फिर अपील है इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में अपील चलती है और अपील में आपको फिर लॉयर करना पड़ेगा जो कनाडा में है

कि वो जो जज के सामने जो रीजनिंग और दलील देनी है क्रॉस एग्जामिनेशन करना उससे भी कोई आ, हल निकलेगा उसमें भी करीव -करीव 40 है. So और जो उनका खर्चा क्या है सो so, ये जो इंटरव्यू आया है इसी इंटरव्यू में अगर आप अगर अपनी जंग को फतेह कर लोगे तो इट इज नथिंग लाइक इट इज वेरी ट्रू सर सो लास्टली मैं यही कहूंगा अगर कोई वीडियो देखता है,

Better not to be over smart and you know, land yourself there. You don't want to go, so always take professional help in legal matters, yeah. it's very important. Chalo. Chalo, thank you very much. I know you are busy, and your wife is also in India right now. You must, uh, you know, meet other people. papa Everything good, they must have got some feedback also. <laughs> जी सर उनको दे आर वेरी सेंसिटिव तो मैंने सर इतना बताया था कि हम गोइंग टू यू नो हैंड ओवर सम डॉक्यूमेंट्स टेंशन थोड़ी ज्यादा ले लेते हैं ओह oh, अच्छा अच्छा तो so दैट्स तो right. so, मैं इतना ही बता देता कि बस हमें डॉक्यूमेंट्स देने जाना है तो बस मैं कहूँ मैं देख कर आ गया ठीक है ठीक है चलो थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड होपफुली गेट टू सी यू समाइम इन ट्रॉटो एरिया